बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? तो हम लोग ठीक ठाक होंगे, लुशपुश होंगे, मजे में होंगे, जिंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। और आज जो है हफ्ते का दिन है, लेकिन बहुत बिजी दिन था कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि इंस्टाग्राम पे आप लोगों से इंटरेक्ट किया जाए या व्लॉगिंग की जाए। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं करके आ रही हूँ। एक्चुअली ये दो देगे मौजूद थे यहाँ पे, हमने बनाए जनाब चने वाले चावल जो कि मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने थे। हर हफ्ते हमारी कोई ना कोई फूड ड्राइव होती है जो कि डेली बेसिस पे होती है, बट आज मैंने एक काम किया था। ये जो पहली देख थी ये मैंने दिन में तकसीम कर दी थी। कुछ फैमिली जिनको मैं जानती हूँ जहां तक मुझे पहुंचाने होते हैं, कुछ रिक्शा ड्राइवर्स मजदूर लोग, उन तक पहुंचाई। बट ये वाली देख के शॉपर्स इस तरह से पैक्स इसमें बने हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। वो मैंने बनाए हैं आज अभी, इस तरह से ये मैं पैक बना लेती हूँ ये। और ये अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी रोड साइड पे जाकर उन लोगों में, क्योंकि अब मगरिब के बाद का टाइम है, कोई मजदूरी लगने का चांस नहीं। बहुत सारे लोग ना उम्मीद भी होंगे, बहुत सारे लोग मायूस भी होंगे, और बहुत सारे लोगों का घर जाने का वक्त हो चुका हो लगता है। हम लोग जब अपने घरों की बात करें तो जब भी भाई या बाप या कोई भी घर आता है तो कोशिश हमारी होती है कि यार क्या लेकर आए, फटाफट से गेट के पास पहुंचे, एक्साइटेड होकर बच्चे जाते हैं। तो एक छोटी सी एफर्ट है कि अगर वो ये पैक घर ले जाएंगे या खुद खा लेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। और हो सकता है कि उनके पूरे दिन का वो जो उनकी मेहनत थी वो अब उनको एक खुशी की सूरत में मिले। सो बी द चेंज। और मैं समझ सकता हूँ, मेरी पूरी टीम की कोशिश होती है कि हम ये एफर्ट करें। और आज पूरा दिन ऑल्दो कि मेरी तबीयत थोड़ी सेट नहीं है, मस्कुलर पेन है, बट मेरा पूरा दिन ये काम करते हुए गुजरा है। और कोशिश यही है, सर्दी है भी बेहद, बट स्टिल आई डोंट वॉन्ट कि मैं एक हीटर लगे हुए कमरे में बस बैठ के चिल करूं। आई वॉन्ट कि ऐसे लोग जो बाहर हैं और काम कर रहे हैं उनको किसी न किसी तरह से कम्फर्ट लेवल पहुंचाया जाए, किस तरह से उनकी खुशी में शामिल हुआ जाए। और इंशाल्लाह एक और गुड न्यूज है जो कि हमेशा एक ग्रैंड ग्रैंड ड्राइव होती है, क्लोथिंग ड्राइव की, विंटर ड्राइव, वो इंशाल्लाह विद इन 2 or 3 days आई विल डू। मैं पिक्चर्स शेयर कर दूंगी बी द चेंज के पेज पे, फेसबुक पे। और अगर आप लोगों के पास यूज कपड़े हैं जो कि फटे हुए नहीं है, इस्तेमाल के काबिल है, वो आपके लिए पुराने हो सकते हैं, मेरे लिए पुराने हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए पुराने नहीं है जिनके पास पहनने को नहीं है। सो खुदारा चाहे वो शॉल्स हो, शलवार कमीज हो, जैकेट्स हो, स्वेटर्स हो, कैप्स हो, सॉक्स हो, लेकिन साफ सुथरी हो, फटी हुई ना हो, तो प्लीज आप पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा घर की कोई भी इस्तेमाल शुदा चीज जो कि हमारे काम की नहीं होती। बहुत सारी दफा ये होता है कि मैं एक्साइटेड होकर बहुत सारी क्यूट चीजें और वो ले आती हूँ बट मैं इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन ऐसी मैंने जिनकी शादी होने वाली है, बहुत सारे ऐसे केसेस आए हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं गिफ्ट पैक बनाकर उन तक पहुंचाते हैं। तो जब अब वो कार्गो मेरा आ जाएगा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी व्लॉग में, और वो मैं जिन जिन फैमिलीज को पहुंचाऊंगी मैं ऑब्वियसली आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करूंगी, नाम नहीं बताऊंगी, बट पैक्स बनाते हुए मैं दिखाऊंगी जरूर ताकि आप लोग मोटिवेट हो सके। अगेन ये किसी किस्म का शो ऑफ नहीं है, बिकॉज जहां तक बात है कंट्रीब्यूट करने की या अपना हिस्सा डालने की, तो वो अभी तक जो मेरे साथ पुराने फ्रेंड्स हैं, फॉलोअर्स हैं, मेरी टीम है, जितना हमसे हो सकता है हम खुद से करते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई उसमें शामिल होना चाहता है अपनी खुशी से तो हम उनको ट्रांसपेरेंसी से बता देते हैं कि ये चीज हम करने वाले हैं, अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो यू गाइज आर मोर देन वेलकम। और आज मैं बेहद खुश हूँ, मेरे बहुत सारे फेसबुक फ्रेंड्स को पता होगा कि मैंने एक बच्चे का केस लगाया था, सुफियान नाम है उनका, और उनका इंडिया जाना था, ओपन हार्ट सर्जरी थी, एंड लिटरली आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। वो जो फंडिंग थी लाइक 15 लाख रुपए हमें चाहिए थे, मारिया मेमन देख रही थी कराची से केस, मैं देख रही थी, और हमने कोशिश करके वो पूरी अमाउंट अरेंज की। इंडिया जाना कोई आसान नहीं है इन दिनों में, स्पेशली जब जो ना दुश्मनियां भी चल रही होती है, और बहुत सारे मामला हैं जो कि हुकूमती सतह पर है या दोनों ममालिक के माबेन है, बट हमारी कोशिश से वो बच्चा इंडिया गया, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, अभी वो वेंटिलेटर पे है 4 डेज के लिए, और इंशाल्लाह जब सुफियान आएगा कराची वापस तो मैं उससे मिलने भी जाऊंगी। सो ये तमाम तर उन लोगों की एफर्ट्स है जो कि देखते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं। सो दैट्स इट। मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम आपको बाहर भी घुमाते हैं, साथ साथ बताती हूँ कितनी सर्दी है और रात का अंधेरा फैल चुका है। सो फाइनली आई एम ऑन माई वे, और इस तरह से ये जो पैक्स है ये मैं निकाल के रखूंगी अपने पास, और रोड साइड पे हमें जहां पे भी महसूस होगा, बल्कि महसूस क्या होगा, जो भी हमें इंसान नजर आएगा, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे वो फल फरोश हो, सब्जी फरोश हो, रेडी वाला हो, वट एवर कोई भी इंसान हो, चाहे खवातीन हो, मर्द हो, बच्चे हो, ये हम उनको एक एक पैक देते जाएंगे खाने का।
और बस कोशिश यही है कि विंटर ड्राइव के साथ साथ हम ये फूड ड्राइव कंटिन्यू रखें। आप लोगों को अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं, मैंने आइडिया दे दिया है जो कि हम ऑलरेडी हर हफ्ते करते भी हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं ब्लॉग में कवरेज करूं, बिकॉज आपको पता है काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। आज भी देख आने तक, टैक्स बनाने तक मुझे नहीं था ख्याल, बट ख्याल इसलिए फिर आता है कि यार अगर मैं एक इंसान कर रही हूँ या दो लोग हम कर रहे हैं, पांच लोग करें, तो क्यों ना हम एक प्रॉपर एक पूरी टीम बन के काम करें। और आप लोग यूट्यूब फैमिली, इंस्टा फैमिली चूंकि मेरी फैमिली है, तो आई वॉन्ट कि मैं इस फैमिली को भी शामिल करूँ। सो रहिए मेरे साथ और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो अभी की वीडियो हम अपलोड करेंगे आज, लाइक मंडे हो गया है 12 बजे के बाद। खैर मैं आपको बताती चलूँ कि ये हम रोड साइड पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। लोगों का फेस हम नहीं दिखाना चाह रहे, अगर गलती से आ जाए तो माजरत। ये ढोल वाले भाई बैठे हुए थे काफ़ी, फिर यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था, जूतों का एक स्टॉल था, उनमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। और फिर आगे आगे इस तरह बढ़ते रहे, कुछ रिक्शा ड्राइवर्स थे, कुछ बच्चे थे, कुछ रेहड़ी वाले थे, और इस तरह से ये जो सिलसिला जारी सारी रहा। फ्लैश ऑन नहीं हम लोग करते, हम नहीं दिखाना चाहते, बट पॉइंट इज़ दिस कि चूंकि ये एफर्ट कर रहे हैं, तो वी वांट कि मैक्सिमम लोग मोटिवेट हो सके, मैक्सिमम लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, हम लोग इस तरह की फूड ड्राइव्स करें और ये सिलसिला जारी हो सारी रहे। डिटेल्स मैं यहाँ पे दे दूँगी, नंबर में मेंशन कर दूँगी, आप लोग इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं अगर आप किसी भी केस के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। यहाँ पे एक बाबा जी मुझे नज़र आए थे और उनकी किसी बात पे मैं शायद हंसी थी, और बल्कि एक बाबा जी और भी आए थे जिन्होंने हमें दुआ भी दी थी, और अब मैंने म्यूट कर दिया तो मुझे यहाँ पर नहीं पता कि वो कौन सा क्लिप होगा। और फिर इसके बाद ना एक और चीज़ है, लास्ट पे मैं उतर गई थी, कुछ बच्चे थे तो उनको देख कर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उतर गई। मैंने उतर के उनको वो खाना वहाँ पे तकसीम किया लोगों में। लेकिन जो सोशल एक्टिविस्ट है जिनको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बल्कि बताती हूँ इस क्लिप के बाद। शदीद वाली सर्दी हुई है इवन जैकेट के बावजूद, तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि यार बाहर क्या हाल होगा। करा दे मुझे भाई, यार वो बाबा जी खड़े हुए जी। तो आई वॉज सेइंग कि अगर जो सोशल एक्टिविस्ट अभी स्टार्ट करना शुरू हुए हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है कि उतर कर आप डिस्ट्रीब्यूशन करें, क्योंकि समटाइम बहुत सारा रश लग जाता है, बहुत सारे लोग 4 से 5 पैक्स लेने की भी कोशिश करते हैं, आप पे बकायदा हमला भी किया जाता है या हाथों पे खराशें वगैरह भी आती हैं। तो चूंकि हमें अब एक्सपीरियंस हो चुका है और हम लोग इस तरह से फिर उतर गए थे, बच्चों को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए, वरना हमारा एक प्रॉपर हम लोग बड़े एक डिसिप्लिन के साथ चल रहे होते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, कुछ बच्चे थे, तो आप लोगों को इन बातों का ख्याल रखना होता है। हमारा एक्सपीरियंस भी हो चुका है, हमें पता है हमने किस तरह से हैंडल करना है, और चूंकि कुछ पैक्स रह गए थे लाइक 10 एक, तो वो फिर हमने वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए। दैट्स ऑल, अपना रखे ख्याल, मुझे रखे दुआओं में याद। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, चाहे वो माली मावनत हो, विंटर ड्राइव में शामिल होना हो, या दुआओं की सूरत में हो, किसी भी तरह से अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक नंबर मौजूद है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।